A very good morning to all of you. Hope your preparation for IFSC Grade A Officer exam is going well. So today we are going to discuss 10 most important questions from IFSC Act. Right? तो इन 10 questions में है क्या? मैंने try किया है कि आपको हर एक type के questions देखने को मिले, from assertion reasoning to statement wise to match the following. Right? अब आपको क्या करना है, ये नहीं सिर्फ वीडियो को देखते रहना है. टेक आउट अ पीस ऑफ पेपर और उस पेपर पे लिख लो 1 to 10 तक काउंटिंग. फिर जैसे ही मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेके आऊंगा, आपको ट्राई करना है कि मेरे से पहले उन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. इससे होगा कि आप एनालाइज कर पाओगे अपने आप को कि आपका आईएफएससी एक्ट कितना प्रिपेयर हो चुका है. तो बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं. अगर आप मैक्सिमम स्कोर कर पाओगे अराउंड 8 to 9, दैट मींस आपका आईएफएससी एक्ट ओवरऑल कवर हो गया. जो छोटे मोटे पॉइंट्स होंगे वो आपके इस वीडियो के थ्रू कवर हो जाएंगे, प्लस साथ साथ आपकी रिवीजन भी हो जाएगी. ठीक, तो करें स्टार्ट. होप सो आप सबने पीस ऑफ पेपर निकाल लिया है और पेन ले लिया है. हाँ, अगर पेपर ले निकालने का मन नहीं है तो याद रखना, वीडियो के कमेंट सेक्शन पे या लाइव चैट पे अपने आंसर्स जरूर लिखो, ताकि आपको पता चल सके कितने आपके आंसर्स सही हो रहे हैं या गलत हो रहे हैं. माइंड में कोई भी स्टूडेंट नहीं रखेगा. स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर से. तो फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज असर्शन रीजनिंग है हमारा. क्वेश्चन क्या है, असर्शन क्या है? द आईएफएससी एक्ट अलाउज फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स इन इंडिया. रीजन क्या दे रखा है? आईएफएससी डेवलप एंड रेगुलेट द फाइनेंशियल सर्विस मार्केट इन द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स इन इंडिया. यू हैव टू टेल कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. बी, बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन. ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, या बोथ ए एंड आर आर फॉल्स. देखो, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते वक्त ध्यान रखना अच्छे से एक एक वर्ड को पढ़ना. स्टूडेंट्स करते हैं क्या, जल्दी जल्दी क्वेश्चन पढ़ते हैं और आंसर को देने की कोशिश करते हैं, जिससे होता क्या है उनके सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं और नंबर कट जाते हैं. अच्छे से एक एक वर्ड को पढ़ना और आंसर करना. ठीक, क्या है पहला असर्शन क्या है? होप सो आप सबने आंसर दे दिया होगा. इतना टाइम नहीं लगना चाहिए इन क्वेश्चंस पे, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन अभी ये है नहीं. क्वेश्चन क्या है, असर्शन क्या है? आईएफएससी एक्ट अलाउज फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आईएफएससीज. मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो, क्या आईएफएससी एक्ट अलाउ करता है एस्टेब्लिश करना आईएफएससीज का? द आंसर इज नो. आईएफएससी एक्ट के अंदर कहीं नहीं लिखा कि आईएफएससी एस्टेब्लिश करे जाएंगे इंडिया में या आईएफएससी एस्टेब्लिश होंगे. उसकी बात भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एक्ट 2005 में हुई है. तो कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट जो असर्शन है वो हमारी रॉन्ग है. देखो, आईएफएससी ये वर्ड सुनकर ये मत सोचना कि वो ही एस्टेब्लिश करते हैं आईएफएससी को. उनका टास्क सिर्फ डेवलप और रेगुलेट करना है फाइनेंशियल सर्विसेज और प्रोडक्ट्स को इन आईएफएससीज. ठीक, समझ आ गया. तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, दैट असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू. चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर टू. क्वेश्चन नंबर टू, फैक्चुअल बेस्ड, दैट आईएफएससी शैल विद इन डैश आफ्टर द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर सबमिट द सेंट्रल गवर्नमेंट अ रिपोर्ट गिविंग अ ट्रू एंड अकाउंट ऑफ इट्स एक्टिविटीज पॉलिसीज प्रोग्राम्स ड्यूरिंग द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर. सिंपल सा क्वेश्चन है. क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कितने टाइम पीरियड के बाद आईएफएससी को रिपोर्ट सबमिट करनी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट को आफ्टर द मतलब एट द एंड ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, मतलब फाइनेंशियल ईयर के एंड होने के बाद. फैक्चुअल क्वेश्चन है डायरेक्टली आपका. अगर आप रिकॉल कर पा रहे हो तो जो हमारा सेक्शन नंबर 19 है
रिटर्न्स एंड रिपोर्ट्स वाला, उससे ये क्वेश्चन है। हिंट भी दे दिया मैंने तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 3 months, 90 days लिखा होता है ना, 3 months हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस। बहुत सारे एग्जाम्स में देखा कि स्टेटमेंट वाइज बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने ट्राई करा कि आपको सेम लेवल के क्वेश्चंस को बनाया जाए। आई नो माइट बी आपके एग्जाम में असर्शन रीजनिंग वगैरह क्वेश्चंस ना पूछे जाए, बट वैसे क्वेश्चंस हेल्प करते हैं स्टेटमेंट्स को भी सॉल्व करने में। तो ऐसा नहीं है कहीं आपका वो हो रहा है कि एग्जाम से भटक रहे हैं हम। स्टेटमेंट्स कौन सी है? 3 स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास। स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 1 क्या कह रही है? चेयरपर्सन ऑफ IFSA इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमेटी एंड मे बी अपॉइंटेड एज अ होल टाइम और अ पार्ट टाइम मेंबर एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट मे डीम फिट। स्टेटमेंट नंबर 2, चेयरपर्सन ऑफ IFSA शैल होल्ड ऑफिस फॉर द टर्म ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्स हिज ऑफिस। स्टेटमेंट नंबर 3, मैक्सिमम एज ऑफ होल टाइम मेंबर ऑफ IFSA 65 years। आपको चेक करना है कि ये 3 स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं या नहीं है। देखो एग्जामिनर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन देके फायदा क्या उठाता है, वो एक ही साथ आपकी कई सारी नॉलेज चेक कर लेता है। तो वही ना, ये 3 को डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन बन सकते थे, एक ही क्वेश्चन बना उससे पता चल जाएगा कि आपको आता है या नहीं आता। और मैं पहले कह रहा हूं, ट्राई करना विद इन लाइंस पढ़ने की कोशिश करना, हर स्टेटमेंट को गौर से देखना, ठीक। चलो पहली स्टेटमेंट देखते हैं, चेयरपर्सन ऑफ IFSA इज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमेटी, नहीं बच्चा, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमेटी नहीं, वो तो वो 2 मेंबर्स थे जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही थी, वो रिकमेंडेड थे सिलेक्शन कमेटी से। और प्लस अगर ये गलत है, अपॉइंटेड एज अ पार्ट टाइम, चेयरपर्सन कभी भी पार्ट टाइम नहीं हो सकता, सिर्फ मेंबर्स पार्ट टाइम हो सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारी हो गई। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है अपनी? नेक्स्ट स्टेटमेंट है द चेयरपर्सन ऑफ IFSA होल्ड ऑफिस ऑफ टर्म ऑफ 3 years। मतलब बेसिकली आपको ये चेक करना है कि 3 years के लिए करता है क्या। एब्सोल्यूटली राइट आंसर, मतलब ये स्टेटमेंट करेक्ट है अपनी। स्टेटमेंट नंबर 3, द मैक्सिमम एज ऑफ होल टाइम मेंबर्स, जो होल टाइम मेंबर्स है उसकी 65 years होती है क्या? ये रॉन्ग है, जो मैक्सिमम एज होती है वो होती है 62 years। जो चेयरपर्सन होता है उसकी मैक्सिमम एज वो होती है 65 years, ना कि होल टाइम मेंबर्स की, ठीक। तो इसका जो एप्रोप्रिएट आंसर होगा दैट इज ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, राइट। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और याद रखना सब आंसर्स जरूर देंगे या कहीं ना कहीं आप इन्हें लिखोगे, ऐसा ना हो कि भाई सिर्फ आप वीडियो देखते गए और सुनते गए, साथ साथ रिकॉल करो या उस पेपर पे लिखो। अच्छा एक बार रिकॉल कर लेते हैं, कितने मेंबर्स है टोटल? 9 मेंबर्स है अपने। 9 मेंबर्स कौन कौन से थे? 1 हो गया हमारा चेयरपर्सन, राइट। फिर एक अपॉइंट करेंगे RBI, एक अपॉइंट करेंगे SEBI, एक अपॉइंट करेंगे PFRDA, एक अपॉइंट करेंगे IRDA, 2 मेंबर्स कौन अपॉइंट करेगा? फाइनेंस मिनिस्ट्री, एब्सोल्यूटली करेक्ट। और 2 मेंबर्स हमारे हो गए कौन से हो गए? सेंट्रल गवर्नमेंट वाले जो रिकमेंडेशन पे आ रहे थे सिलेक्शन कमेटी के, राइट। These are 9 members जो हमारे IFSA के बोर्ड होगा, ठीक। ये सारे हमारे एक्स ऑफिशियो होते हैं, बाकी होगा इनका टेन्योर 3 years होता है, प्लस इसकी मैक्सिमम एज 65 years और इसकी 62 years। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जहां ट्राई हो सकेगा कि आपको रिवाइज करा दूं कंसेप्ट को, वो जरूर करवाऊंगा मैं। मैच द फॉलोइंग,
मैच दी फॉलोइंग में क्या आपको मैच करना है, पहला क्या है द रूल्स एंड रूल्स रिलेटेड टू मैनर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सिलेक्शन कमेटी, हमें बताना है कौन डिसाइड करता है, द रेगुलेशंस रिलेटेड टू सैलरीज एंड अवेयरनेस ऑफ सर्विस ऑफ एम्प्लॉयज, कौन डिसाइड करता है, डायरेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स, कौन डिसाइड करता है। तो इनसे रिलेटेड चीजें, नोटिफिकेशन, रूल्स, रेगुलेशन कौन बनाता है, हमें बेसिकली वो डिसाइड करना है इस क्वेश्चन में। सोचो पहला क्या है, पहला है हमारा रूल्स रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सिलेक्शन कमेटी, रेगुलेशन में क्या है रिलेटेड टू सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ एम्प्लॉयज, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स। देखो अगर याद ना भी हो तो अगर आपने आईएफएससी एक्ट की वीडियोस देखी है मेरी, मैंने क्या रेफरेंस दिया है, जो रूल्स होते हैं वो कौन बनाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। जो रेगुलेशंस होती हैं वो कौन बनाता है, आईएफएससी। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड मैटर्स होते हैं वो कौन हैंडल करता है, वो हैंडल करता है चेयरपर्सन। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, फर्स्ट का जेड, सेकंड का एक्स, थर्ड का वाई, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डील्स विद द रिमूवल ऑफ मेंबर्स फ्रॉम द ऑफिस, इन सारे सेक्शन में से सेक्शन 16, 13, 18, 7, 9, Which one deals with the removal of members from the office? अभी याद दिलाऊंगा कि removal of members कब कब होते हैं, कौन करता है, central government। कौन से section पे, try कर रहा हूं कि आपको सब कुछ revise हो, sections भी revise हो, paper में आते हैं भाई। ठीक, easy question है, removal of members from office। तो हमारा जो सेक्शन है वो है सेक्शन नंबर सेवन के अकॉर्डिंग, सेक्शन सेवन पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो मेंबर्स को रिमूव कर सके, राइट। अच्छा किन किन रीजंस की वजह से रिमूव होते हैं मेंबर्स, सेक्शन सेवन डिफाइन करता है क्या क्या, अगर वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाए या फिजिकली और मेंटली इनकैपेबल हो जाए या गिल्टी फाउंड हो जाए, कोई भी ऐसा क्राइम जो नॉर्मल मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को लग रहा है कि मॉरली रॉन्ग है, अगर कोई फाइनेंशियल या अदर इंटरेस्ट एक्वायर कर लिया है या अब्यूज करी है अपनी पोजीशन को, इन फाइव रीजंस में सेंट्रल गवर्नमेंट रिमूव कर सकती है मेंबर को आईएफएससी के, राइट। और याद रखना इन दो केसेस में क्या होता था, इन दो केसेस में होता था कि हाँ उसको हर्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी मेंबर को। ठीक चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स हमारा, द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स अथॉरिटी फंड विल बी क्रेडिटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो याद रखना ये बात हो रही है आईएफएससी फंड की, आईएफएससी फंड किन किन चीजों से क्रेडिट किया जाता है, मतलब किन किन केसेस में, मतलब उसमें अमाउंट एड होती है, फीस रिसीव्ड बाय द अथॉरिटी, ग्रांट्स रिसीव्ड बाय द अथॉरिटी, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द अथॉरिटी। जो आईएफएससी फंड होता है वो किन किन चीजों से क्रेडिट किया जाता है, फीस रिसीव्ड बाय अथॉरिटी, ग्रांट्स रिसीव्ड बाय अथॉरिटी। बेसिकली आईएफएससी क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन कितना का था, अकाउंट्स का भाई, इस चीज से एक्सपेंस इनकर्ड बाय द अथॉरिटी, इससे क्रेडिट तो नहीं होता, डेबिट होता है, राइट। अकाउंट्स का क्वेश्चन बना दिया था मैंने, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड। चले बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवेंथ, Given below is the statement, fill in the blanks are basically all sums realized by the way of penalties or fines
अंडर द आईएफएस चेक शैल बी क्रेडिटेड इनटू डैश इंडिया डैश, मतलब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया फॉरेन एक्सचेंज, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इंडियन रुपीस, आईएफएससीए फंड फॉरेन करेंसी आईएफएससीए इंडियन रुपी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेटलमेंट अथॉरिटी फंड यूएस डॉलर्स। तो हमें बताना है जो फाइनल पेनल्टीज कलेक्ट होती हैं वो कहां क्रेडिट होती हैं और किस करेंसी में होती हैं। सॉरी थोड़ा सा रिकॉल करा दूं, सेक्शन 13 जो है हमारा जिसमें ये पॉइंट लिखा हुआ है कि पेनल्टीज और फाइंस कहां जाएंगी, उसमें डिफाइंड है कि पेनल्टीज और फाइंस कहां जाएंगी। डायरेक्ट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, थोड़ी थोड़ी चीजें घूमी होती हैं बस, बच्चे हमें बस उसी में कंफ्यूज नहीं होना। तो जो है वो क्रेडिट होगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, बट इंडियन रुपीस में, इंडियन रुपीस में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर उसमें फॉरेन करेंसी लिखा है, ध्यान से पढ़ो, फॉरेन करेंसी में सिर्फ कलेक्ट होगा, जो कलेक्ट होगा पेनल्टी और फाइन वो फॉरेन करेंसी में होगा, जो डिपॉजिट होगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में वो इंडियन रुपीस में होगा, इंडियन करेंसी में होगा। ठीक, कलेक्ट हमारा फॉरेन करेंसी में होगा, डिपॉजिट इंडियन रुपीज में होगा। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 8, Which of the following acts have been amended under the IFSC Act? थोड़ा सा factual question है। आपको पता जब IFSC Act आया तो उसमें कई सारे acts में amendment लाई गई थी जो schedule में mention भी हैं। तो आपको बताना है कि इनमें से किसमें amendment हुई थी। तो देखते हैं आपको learn है या नहीं। Reserve Bank of India Act, Banking Regulation Act, Government Security Act, Depository Act। देखो ये Reserve Bank of India तो सबको पता है ही है, बाकी क्या बताओ। क्या Banking Regulation Act में हुई थी amendment? क्या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्ट में हुई थी अमेंडमेंट? क्या डिपॉजिटरी एक्ट में हुई थी अमेंडमेंट? तो एलिमिनेशन भी लगा सकते हैं। देखो फर्स्ट वन जैसे सबको कंफर्म होता है कि आरबीआई में तो हुई थी अमेंडमेंट, तो ये दो ऑप्शंस तो वैसे ही कट गए बचे। ये जैसे मैंने ऑप्शन सोच समझ के बनाए हैं तो ऐसा नहीं तुम एलिमिनेशन भी लगा के आंसर दे पाओगे किसी क्वेश्चन का। चलो तो इन चारों के चारों एक्ट में हमारी अमेंडमेंट हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ऑल 1, 2, 3 एंड 4। ठीक, ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये सारी अमेंडमेंट्स आ गई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंश्योरेंस, बैंकिंग रेगुलेशन, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी एक्ट, जनरल इंश्योरेंस बिजनेस एक्ट, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट, डिपॉजिटरीज एक्ट, इंश्योरेंस आईआरडीए, फॉरेन एक्सचेंज क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज एक्ट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्ट, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट, पेंशन एंड पीएफआरडी एक्ट। इन सारे एक्ट में हमारी अमेंडमेंट्स हुई थी। ठीक, चलो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 9th, असर्शन रीजनिंग। फिर से असर्शन क्या है, आईएफएससीए कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट टू एक्वायर होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी। रीजन क्या, आईएफएससीए इज इनकॉर्पोरेटेड एज अ बॉडी कॉर्पोरेट हैविंग परपेचुअल सेशन एंड कॉमन सील। क्या ये सही है या गलत है? क्लास 11th बीएससी में पढ़ते थे सबसे पहला, आई थिंक सेकंड चैप्टर में हम, कि व्हाट इज That perpetual session, what is body corporate company के बारे में जब पढ़ना स्टार्ट करते थे। तो बताओ क्या IFSC incorporate होती है as a body corporate? क्या IFSC किसी के साथ contract कर सकती है या land को hold कर सकती है? जल्दी से, बहुत easy सा question है। Basically जब आप deeply पढ़ते हैं ना act को, तब आते हैं यहां से answers। चलो तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। जो हमारा आईएफएससी है वो इनकॉर्पोरेट होता है एज अ बॉडी कॉर्पोरेट व्हिच हैज परपेचुअल सेशन एंड कॉमन सील। अब कोई चीज बॉडी कॉर्पोरेट है और उसके कॉमन सील है, दैट मींस इट कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट और होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक,
सो लास्ट क्वेश्चन फॉर अ डे. द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी इज एन अथॉरिटी टू डेवलप रेगुलेट फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विस इन इंडिया. इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाइनेंशियल प्रोडक्ट और फाइनेंशियल सर्विस रेगुलेटेड अंडर IFSC एक्ट. शॉर्ट में क्वेश्चन बताऊं तो बताना है कि कौन सा प्रोडक्ट या सर्विस रेगुलेट नहीं करता IFSC. ठीक. एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंश्योरेंस, प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट पर्सन फाइनेंशियल स्टैंडिंग एंड क्रेडिटवर्थीनेस, मतलब क्रेडिबिलिटी हो गई. फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स टू एक्सचेंज करेंसी ऑफ वन दैट इज टू बी सेटल्ड इमीडिएटली, क्रेडिट अरेंजमेंट. इन पांचों में से कौन सी चीज रेगुलेट नहीं करता IFSC. जल्दी से आंसर दो. अच्छा ध्यान से सुन लो, इसके बाद करना क्या आप सभी को, आई नो जैसे ही आंसर दूंगा सब भाग देंगे. करना क्या है आपको, कमेंट सेक्शन में बताना है कि आउट ऑफ 10 आपके कितने मार्क्स आए, ताकि पता चल सके कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है. उसी बेसिस पे हम लेक्चर्स लेके आए, वीडियोस लेके आए, मुझे पता रहेगा कि आप कितना पढ़ रहे हो. आउट ऑफ 10 आपके कितने आंसर सही हुए, और याद रखना कमेंट सेक्शन में मेंशन करना रेदर देन लाइव चैट पे, क्योंकि इट्स डिफिकल्ट फॉर मी टू चेक दैट. कमेंट सेक्शन में मेंशन करना कि आउट ऑफ 10 आपके कितने आंसर सही हुए. ठीक. चलो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी. फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट टू एक्सचेंज वन करेंसी फॉर अनदर दैट इज टू बी सेटल्ड इमीडिएटली. प्रॉब्लम कहां आई, सेटल्ड इमीडिएटली में. जो सेटल्ड इमीडिएटली वाले होते हैं वो रेगुलेट नहीं करता IFSC. ये स्पेसिफिकली IFSC एक्ट में मेंशन है. जब आप वो पढ़ते हो कि जिसमें लिखा होता है फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि हाँ भाई जो इमीडिएटली सेटलमेंट वाले हैं वो रेगुलेट नहीं करेगा, वो आउटसाइड. ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी. ठीक. नाउ इट्स योर टास्क, क्या करना है जल्दी से बताना है कि आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स आए आपके, कितने आंसर्स आपके सही हुए. ठीक. अब रीजन बिंग इसी के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि आपको कितने ऑक्यूपेशन, कितने और MCQs कराने हैं, क्या और MCQs चाहिए या किसी और चीज के MCQs चाहिए, वो सारी डिटेल्स आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए. ये MCQs कैसे लगे, अच्छे थे, इजी थे, मैं लेवल बढ़ाऊं कम करूं, वो सारी चीज आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो. ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट बच्चा.